बढ़िया लगी, योगी जी भी बढ़िया लगे, तो आएगा मोदी जी वो भी और भी बढ़िया लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगे। हमने तो सुनने आई थी, स्पेशल सुनने आई, योगी जी ने देखा ना, टीवी पे तो देखो ही थे, आज स्पेशल बुन्ना से देखने आई हूँ मैं तो। वोट भी मोदी को देंगे, मोदी को जिताएंगे, तन मन से मोदी के ही है। की बार मोदी सरकार, अब की बार। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। योगी जी को सुना और सरकार, योगी जी को सुना और सरकार मोदी आनी चाहिए, ये हमारा सपना है, हम जनता की सपना है कि मोदी जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल टॉप रैली थी, रैली नहीं महारैला था ये। तरफा माहौल जी, अशोक तंवर जीतेंगे, 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे, अब की बार 400 पार। बहुत राम्य हो चुका है, सब भक्ति में डूबे हुए हैं और बीजेपी इस बार 400 पार। हम बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं है, बीजेपी ही बीजेपी है सभी जगह और राम ही राम है, योगी ही योगी है, मोदी ही मोदी है। स्वागत है 400 सीटों के साथ मोदी का तीसरी बार। जय भारत, जय मोदी, जय योगी, जय तंवर। माहौल तो बहुत बढ़िया जी, 100% तंवर जीतेंगे। मोदी मोदी जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। क्या माहौल सिरसा में लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। है मुकाबले में इस बार? इस कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। माहौल तंवर, रकम से कम 3-4 लाख वोट जीतेंगे। बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया। योगी जी आए हैं, क्या फर्क? बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, तंवर 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मुकाबला मान रहे हो सिरसा में आप? है टक्कर तो है ही नहीं, क्या टक्कर, क्या टक्कर का की फर्क पऊगा? बहुत बढ़िया फर्क पऊगा, बहुत बढ़िया। मुकाबला दिखता है सर, सिरसा किस नाम जितना जी? 3 लाख वोट थे। हाँ जी, क्या मोल है, बीजेपी जीतेगी, सेंटर में सरकार बीजेपी की बनेगी। आज योगी जी के आने से कितना फर्क? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा भैया, मोल बीजेपी जीतेगी। हाँ, तंवर बहुत वोटों से जीतेगा। योगी जी आगे क्या माहौल लगेगा? योगी आने से और माहौल बहुत बढ़िया बढ़ गया। बढ़िया है माहौल, बहुत बढ़िया है, यही होगा। सरकार से सर क्या फर्क पड़ेगा योगी जी के बाद? योगी जी आगे, योगी जी आने से सारा फर्क पड़ेगा, माहौल और बढ़िया बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बनेगा माहौल, अच्छा माहौल होगा। हाँ ना, कांग्रेस ये को नहीं बनना, दूसरा चुटाला इबके फोरे आणगो। अच्छा, वो पहले वोट हुआ मेरे, सारा बढ़िया काम किसे लागे मोदी को? काम मोदी को सारा ही बढ़िया है, जी तक रहे था सारा बढ़िया, एक ही कम को नहीं, एक नंबर में है। 3.5 लाख से? अच्छा, हाँ जी। तो क्या इस बार कैसा लग रहा है माहौल? पूरे बहुत अच्छा है, पहले से अच्छा है पिछली बार से। हाँ, आज योगी जी आ गए हैं, क्या फर्क होगा? बहुत कुछ फर्क होगा, माहौल बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। हाँ जी ताऊ जी, हाँ बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज योगी जी आया, क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा जी, योगी का, योगी तो एक देवता है हमारा। सिरसा में अशोक तंवर जी का बहुत अच्छा माहौल है। नौकरी लग गयो, तनखा बंदगी और मन के धाबी। हाँ, अंदरवाड़ा में। तो क्या लग रहा है योगी जी के आने से क्या माहौल बनेगा? माहौल एक नंबर का बनेगा जी। जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल ही टॉप रैली थी, रैली नहीं महारैला था ये। हाँ जी, योगी जी को सुना आपने? नहीं, हाँ जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं बीजेपी का सिरसा में कैसा माहौल, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं जी, बहुत अच्छी लीड निकलेगी जी, पहले से मार्जिन से ज़्यादा निकलेगी, पहले 3 लाख लीड थी, अब की बार 5 लाख से निकलेगी ज़्यादा। आज की रैली असरदार है? बहुत ज़्यादा असर करेगी इसी, होगा योगी जी का आना और सिरसा में उनका, इस माहौल को बहुत ही ज़्यादा सुधारने का मौका करेगी, जो कुछ कमी रह गई थी ना वो योगी जी ने पूरी कर दी। सिरसा तंवर जी के पक्ष में माहौल है सारे, ये पिछले 4-5 दिन में हमको तो ऐसा लगता है जितने दुग्गल जी मैडम जी जीते थे इससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे तंवर, माहौल बहुत अच्छा है। आज योगी जी आ गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा, कैसे देखते हैं? देखो योगी जी हमारे हीरो हैं, हमारे इंडिया के, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तो देखो देश के जो हमारी परंपराएं हैं, हमारा साहित्य है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसके लिए जाने जाते हैं। जो हमारी संस्कृति को लोग जानते नहीं हैं उनसे मतलब हमें जागरूक करवाने के लिए, ऐसे लोगों का आना, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है हमको। किससे मुकाबला मान रहे हैं?
मेरे को तो अब ऐसे लग रहा है अभी किसी का मुकाबला है नहीं, तंवर जी निरपक्ष ही जीत जाएंगे। पहले था, आज से 4-5 दिन पहले लग रहा था भी शैलजा मुकाबले में नहीं, अब बाहर हो गई है। अपना तंवर नू जिता के भेजेंगे, ठीक है। जो शाहूकार 100-100 किले वाले बोल रहे हैं ये महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई यही है 800 रुपया दिहाड़ी कर दे मजदूर की, उसको बजाई के पैसे पराली के पैसे मिलते हैं वो क्यों। योगी जी के आने से कितना फर्क मानते हैं? बहुत ज्यादा। किससे मुकाबला मान रहे हो सर? मुकाबला किसी ना मुकाबला है, शैल चा थले है। तो आज योगी जी आए हैं, कैसे फर्क लगता है, क्या लगता है? एक तरफा कर देंगे चुनाव को। अच्छा, तो कोई मुकाबला देख रहे हो? किसी का मुकाबला नहीं है। योगी जी सरकार मोदी की, मोदी जी आएगी वो सरकार है, कोई मुकाबला नहीं है, 400 पार है। माहौल बना देंगे, और ऐसा नहीं कि अब की बार तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे जैसे लोग जो साइलेंट वोट हैं, जितने भी बीजेपी के वोट है वो साइलेंट है, प्यार से देख के आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हवाबाजी कुछ नहीं कर रहे, जैसे भी है। हम गांव में रहते हैं, अब मेरे गांव में जैसे 60 लड़के लगे हैं अभी, इसे गाँव से रिशालिया खेड़ा गाँव है मेरा, तो वहाँ से 60 लड़के अभी जॉब लगे हैं, तो वो किसको देंगे वोट? आप ही अब बताओ, अब जिनका घर चल जाए उसको और क्या चाहिए? और इनके जैसी सरकार आएगी भी नहीं सर, हमें यही सरकार चाहिए, मोदी चाहिए, और ये डायरेक्ट मोदी के पास जा रहा है वोट। तो हम किसी के बहकाव में आके किसी को वोट नहीं दे रहे, हम सिर्फ मोदी को वोट डाल रहे हैं। सिरसा में किससे मुकाबला देख रहे हो? मुकाबला क्या, एक तरफ है जी, तंवर जीतेगा, क्लियर है। हाँ जी सर, योगी जी आगे क्या फर्क लगता है? अरे मेरे को दिल में सुकून आ जाएगा सर, मैं दर्शन करने आया हूँ उनके। तो हाँ जी सर, बोल तो अच्छा है जी पूरे देश में। और बात करें अपने सिरसा सीट की, तो बहुत ही अच्छा माहौल है, 2.5 लाख प्लस से तंवर साहब जीतने जा रहे हैं। आज योगी जी आए हैं, क्या लगता है कितना फर्क होगा? योगी जी से तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा जी, 60-70 हज़ार वोटों का कम से कम। किससे मुकाबला देख रहे हो सिरसा? क्या मतलब मुकाबला किससे मानते हो? मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा। बहुत खुशी का माहौल है जी, ऐसे लग रहा है कोई त्योहार है। योगी जी आ रहे हैं, बीजेपी कह रही 400 पार है जी, ये तो पक्की बात है, 400 पार है जी। सिरसा में किससे मुकाबला मानते हो? किसी का है ही नहीं मुकाबला, तो एक तरफा सरकार है, कोई मुकाबले में है ही नहीं। योगी के आने से मैच कैसा हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा। दुख लाज बाद 3,10,000 वोटा जीती, वो थोड़ा सा दल दल बदल गया, 1.5-2 लाख जीते वो तंवर जी। हाँ, बीजेपी की आवेगी। बोल, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हो? वो जवान प्रधानमंत्री, एक हाथ फिर ला रहा। आज योगी जी आए हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया माहौल लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ सही है, बढ़िया माहौल है, बढ़िया। नसी हाँ जी, बहुत अच्छा। योगी जी इस टाइम का भगवान है, इस युग का भगवान है, मोदी जी इस युग का भगवान है, हम लोग तो यही सोच के यहाँ आए हैं। क्या माहौल सिरसा में, क्या लग रहा है? सिरसा में बस एक तरफा माहौल है बिल्कुल। आज योगी जी के आने से क्या फर्क है? हाँ जी, योगी जी के आने से क्या फर्क पड़ा? योगी जी आएंगे सब, मतलब जैसे यूपी में योगी जी किए हैं उस माहौल से बहुत ही अच्छा होगा योगी जी के आने से। चंगा माहौल है जी, डॉक्टर अक्टूबर का 2.5-3 लाख वोटों से सरसल कैसे जीतेगा? मैं जिला जींद तहसील नरवाना से आया हूँ, गाँव डाबीटेक सिंह से। इतनी भारी मोहम्मद से 1,000 वोटों से 2,000 के लगभग वोट है, 1,000 वोटों से जीते आगे लगभग भेजेंगे जी। क्या होता हूँ डाबी? अच्छा। हाँ, नरवाना में। तो क्या लग रहा है आज योगी जी के आने से क्या मॉल बनेगा? मॉल एक नंबर का बनेगा जी, एक नंबर का बनेगा। खुश हो सरकार? हाँ खुश है जी। तो प्रधानमंत्री किसको देखना है? मोदी। 400 पार कह रहे हैं? 400 पार। हाँ 400 पार है जी। हाँ 400 पार। मॉल बहुत बढ़िया जी। हाँ बुजुर्ग बहुत सेवा कर रहा। हाँ आ करवानी है, कोई बीमारी है, 5 लाख मोदी ने रखे जी। हाँ हाँ मोदी ने भी रखे 5-5 लाख रुपये खाता। हाँ नेजड़ेला कला से। सब क्या मॉल देख रहे हो बीजेपी का? बढ़िया मॉल है, बीजेपी जीतेगी, सेंटर में सरकार बीजेपी की बनेगी। आज
योगी जी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भैया। मुकाबला दिख रहा है किसके साथ सिरसा में? मुकाबला कोई कुछ भी नहीं है, मोदी की टक्कर में कोई नहीं कुछ नहीं। माल तमाम रकम से कम 3-4 लाख वोट जीतेंगे। पक्का है सर? हाँ पक्का सर। ऐसे क्यों लग रहा है आपको? मोदी की वजह से, मोदी को वोट ज्यादा, मोदी को दे रहे ना, मोदी के नाम से वोट मिल रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनने? हाँ बिल्कुल फुल बहुमत से। तो काम कुम ठीक किए हैं किस एरिया में? सारी सुविधा कर रखी है। सबसे पहले तो खाने के लिए अन्न दे रही है, फिर 2000 वो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि, और उसके बाद में सारी सुविधा है, बुढ़ापा पेंशन भी है, सारी सुविधा है, पानी की सुविधा है, सारी सुविधा दे रखी है। बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया। आज योगी जी आए हैं क्या फर्क? बहुत बढ़िया फर्क पड़ेगा, तो 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मुकाबला मान रहे हो सिरसा में आप? टक्कर तो है ही नहीं भैया, टक्कर क्या है, टक्कर कहाँ है, कोई टक्कर नहीं है। बराबर ही है। आज योगी जी के आने से क्या फर्क? मैं को माहौल ही फुर्जा को। अच्छा। देश ही फुर्जा को गाने में। अच्छा। हाँ लोग बस अटिकल ला रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, तो सिरसा में कैसा माहौल देख रहे हो? सरसों तो सारो आम ही है, मोदी का नहीं। हाँ। सरसों तो कोई टला ही को नहीं। अच्छा। हाँ। तो इस बार बीजेपी 400 पार कह रही है? 400 पार 100 की 100 है, 400 पार। हाँ जी, इलाहाबाद हल्के से आए हम, हमारे कप्तान मिन्नू बेनीवाल ने बहुत काम किए हैं, आज योगी जी आ रहे हैं, तंवर साहब की जीत को सुनिश्चित करके जाएंगे 100%, और अब की बार 400 पार बिल्कुल अंडरकरंट, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त अंडरकरंट है। क्या मुकाबला लग रहा है सिरसा में किसके साथ? मन तो कोई मुकाबला लगे को नहीं, और मुकाबला दिखने में अंडरग्राउंड अंदर से कोई मुकाबला नहीं है, बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। इसने हर क्षेत्र में काम किया है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम किया है, किसान मजदूर खेत रोड सड़क, आज खेतों में लगे हुए सोलर, कोई डीजल जलाने की जरूरत नहीं है, बहुत राम्य हो चुका है, सब भक्ति में डूबे हुए हैं, और बीजेपी इस बार 400 पार। जय से आयो जय मोदी। हम नरवाना ब्लॉक से कालवन गांव से हैं, नरवाना हल्के से। बीजेपी का किससे मुकाबला मान रहे हैं सिरसा लोकसभा में? हम बीजेपी का किसी से मुकाबला नहीं मानते, क्योंकि बीजेपी के सामने कोई है ही नहीं है, बीजेपी ही बीजेपी है सभी जगह, और राम ही राम है, योगी योगी है, मोदी ही मोदी है। योगी जी के आने से कितना फर्क? योगी जी के आने से बहुत अंतर रहेगा, और पूरा माहौल राम में हो जाएगा, सब बीजेपी की जय जयकार लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी। स्वागत है 400 सीटों के साथ मोदी का तीसरी बार, जय भारत, जय मोदी, जय योगी, जय तंवर। अब की बार सिरसा लोकसभा का कमल का फूल गुलदस्ता हम 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट करने जा रहे हैं, और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। इसी बातों के साथ धन्यवाद। तरफा माहौल है जी, अशोक तंवर जीतेंगे, 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे, अब की बार 400 पार। एक तरफा माहौल चल रहा है, हम 9 के 9 हल्के में देख के आए हैं, एको तरफा माहौल चल रहा है। कोई है टक्कर में मुकाबले में? कोई भी टक्कर में नहीं है जी, कैंडिडेट तो जो शुरू में आया था वो अब दिखता भी नहीं है, कैंडिडेट दूसरी पार्टी का, कांग्रेस तो 0 हो चुकी है। माहौल तो बहुत बढ़िया है जी, 100% तंवर जीतेंगे, गाँव में माहौल बहुत बढ़िया है। किससे मुकाबला देख रहे हो, किसके साथ मुकाबला? किसी के साथ? इनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है, वो सब झूठ के बुलिंदे हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मोदी 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 जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। क्या माहौल सिरसा में लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। है मुकाबले में इस बार? इस कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। 400 पार कह रही, 400 पार की 411 पार।